सचिन पुलिस स्टेशन में भाजप के सूरत शहर युवा मोर्चा के कारोबारी सभ्य के पद पर कार्य करने वाले अक्षय पांडे पर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई। आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। भाजप के पूर्व सूरत शहर प्रमुख छोटू भाई पाटिल और यूथ फॉर गुजरात के जिग्नेश पाटिल के खास कहे जाने वाले अक्षय पांडे पर पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज की गई है। यह शिकायत 1,00,000 रुपये की धोखाधड़ी के संदर्भ में की गई है। अक्षय पांडे भूतकाल में जब होमगार्ड यूनिट में काम करते थे तब सोए के मित्र रणजीत को पुलिस की नौकरी दिलवाने का कहकर 1,00,000 रुपये की मांग किए थे। पुलिस में नौकरी न मिलने के बाद रणजीत द्वारा दिए हुए रुपए मांगने पर अक्षय पांडे द्वारा नए नए वादे किए गए, जिसकी रिकॉर्डिंग और चैटिंग शिकायत के तौर पर उपलब्ध है। युवा नेता जैसी प्रतिभा रखने वाले अक्षय पांडे पर पहले भी सचिन जीआरडीसी पुलिस स्टेशन में मारामारी और जान से मारने की धमकी के शिकायत भी दर्ज किए गए थे। सत्ता पक्ष में पद पाने वाले अक्षय पांडे शिकायतकर्ता का गला घोटने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या भाजप के प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल ऐसे असामाजिक तत्व अक्षय पांडे को पार्टी में बीजेपी की छवि खराब करने के लिए बाहर किया जाएगा या नहीं, या फिर यह असामाजिक तत्व गरीब व्यक्ति के पद पर बैठकर धोखाधड़ी को सहयोग करेगा।